तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, एक बार रिवाइज कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या बच्चों, चिकित्सा नेम क्या होता है, मायोपिया, क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया। फिर दूर दृष्टि दोष पढ़े थे, दूर दृष्टि दोष में हम लोग चिकित्सा नेम क्या जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया। तो पिछले लेक्चर में मैं आप सबको इनके बारे में बताया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष बताया गया था, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में बताया गया था कि इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग ये फार्मूला पाए थे कि जो फोकस दूरी होती है वो कैसा होना चाहिए, जो रखी वस्तु है उसी के दूरी के बराबर होनी चाहिए, अर्थात एक्स के बराबर। और जबकि दूर दृष्टि दोष में हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे कि डी एक्स अपान एक्स माइनस डी, है ना। तो कह रहे बच्चे एक खास बात बताएं, तो एनसीईआरटी जो राजीव प्रकाशन किताब है उसमें इस पर आधारित आंकिक प्रश्न नहीं, बाकी और अन्य किताब में है, पूछा भी जा सकता है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, तो सवाल हम करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं, आज हम लोग तीसरा दोष पढ़ते हैं, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया, अब तीसरा पढ़ने वाले हैं बच्चों जरा दृष्टि दोष। तीसरा हेडिंग का नाम लिखेंगे जरा दृष्टि दोष, तीसरा पॉइंट जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को हम चिकित्सा क्षेत्र में बोलते हैं बच्चों प्रेसे बायोपिया। ठीक, नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यह दोष से वृद्धावस्था में होता है, कौन सी अवस्था में, वृद्धावस्था। इसमें क्या होता बच्चों, न तो ज्यादा निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी और न ही ज्यादा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। क्लियर बच्चों? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जरा दृष्टि दोष। या दूसरी परिभाषा क्या बनेगी कि मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। मतलब इसमें जो है निकट दृष्टि दोष भी होगा, ध्यान समझते चलो बच्चों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों दोष पाए जाते हैं, कौन से दोष में, जरा दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों? और यह दोष जो है वृद्धावस्था में होता है, पहली चीज तो याद रखना है वृद्धावस्था में होता है। ठीक, और लेंस के कैसे हम प्रयोग करेंगे, सीधी बात जो निकट दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का, इसलिए बच्चों यहाँ पर नाम दिया गया द्विफोकसी लेंस। कैसा लेंस, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब द्विफोकसी लेंस में जिसमें एक निकट लेंस का फोकस हो जाएगा और एक निकट दूर दृष्टि दोष का और एक दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार बच्चों हम जब चश्मे में यहाँ पर इस लेंस का प्रयोग करते हैं तो लेंस में एक तरफ जो है अवतल लेंस होता है और एक तरफ उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस जो होता है बच्चों निकट की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस दूर दृष्टि। क्लियर बच्चों? चलिए अब लिखते हैं, ध्यान देना, परिभाषा लिखिएगा। वह दोष
परिभाषा लिखिएगा, वह दोष जिसमें मानव नेत्र को निकट व दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या दूसरी परिभाषा अथवा दूसरी परिभाषा याद रखना बच्चों, जिस व्यक्ति के मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं, वह दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं, कैसा दोष कहलाता बच्चों? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर, बात समझ में आया? ए बच्चों, ब्रेस बायो कॉपी करिए परिभाषा, फिर आगे चलते हैं। तो क्लियर बच्चों, चले आगे। इसका कारण क्या होता है ध्यान देना। मांसपेशियां नहीं, एक और पेशियां होती है बच्चों, पचामय पचमाभि पेशियां, क्या पढ़ते हैं यार, अंग्रेज में जानते हैं, का धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन का कम होना इसका कारण है। ठीक है, मांसपेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाने, ठीक है ना, इसको शायद मांसपेशियां भी बोलते हैं बच्चों, मांसपेशियां भी का धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है, क्रिस्टल लेंस का लचीलेपन का कम। ठीक है, निवारण बच्चों, सीधी सी बात, निवारण में भाई निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, तो कैसा लेंस? ड्यूफोकसी लेंस। ठीक भैया, ड्यूफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक बात बच्चों, ड्यूफोकसी लेंस मतलब अवतल लेंस व उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग। ठीक है, कोई दिक्कत? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस बच्चों ऊपरी भाग पर होता है और उत्तल लेंस निचले भाग पर होता है। अवतल लेंस का काम क्या होगा बच्चों? अवतल लेंस का काम क्या होगा? निकट की वस्तुओं को देखने के लिए, और उत्तल लेंस का काम होगा दूर की वस्तुओं के लिए। इस प्रकार जो है बच्चों, इस दोष का निवारण हो जाता। इतना क्लियर बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग। ठीक बच्चों, क्लियर, लिख लीजिए ना। तो ठीक है, हमें चाहिए, उसमें पूरा नहीं लिखा है, ध्यान देना। ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस का काम क्या होगा बच्चों? निकट की वस्तुओं को देखने में, और उत्तल लेंस का दूर। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, चौथा पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों, तीन पार्ट हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दोष। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, आ बिंदु कथा। लाइट की प्रॉब्लम हो गई बच्चों, तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए आप लोग, बढ़ा कर तब पढ़िएगा।
और हमेशा जो वीडियो क्वालिटी होगी, इस चीज पे ध्यान देना, वीडियो क्वालिटी हमेशा 360 पे चलाइए, बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, देखिए जैसे हम बना रहे हैं वीडियो, लाइट कट गया, थोड़ा अधेरापन अगर आपको लगे तो अपना ब्राइटनेस, मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, और मेहनत करिए। चलिए आ बिंदु कथा, एक मिनट बच्चों चेक कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है शायद, आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। आ बिंदु कथा, तो बच्चों नेत्र में उत्पत्त एक ऐसा दोष होता है जिसमें कुछ व्यक्तियों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, मतलब दोनों में कंपेयर नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा क्षैतिज है कौन सा ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, जैसे हम अगर बात करें, आप चेकदार कपड़ा पहनते होंगे, ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है चेकदार में, यूं। अब इसमें आप लोग तो पता बच्चों, ये पार्ट आपका क्षैतिज, ये पार्ट क्षैतिज, ये पार्ट क्षैतिज, और ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है। तो मानव नेत्र में ऐसा दोष भी होता है जिसमें ये क्षैतिज वाला और ऊर्ध्वाधर वाला इस चीज को ये नहीं व्यक्त कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा क्षैतिज है और कौन सा ऊर्ध्वाधर। क्लियर, तो ये चीज, तो चलिए बच्चों लिख लिया जाए परिभाषा, बोल दें लिख लोगे कि लिख दें हम। लिखिए बच्चों, नेत्र का वह दोष जिसके कारण बहुत गर्मी है बच्चों, नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, आप बिंदु कथा कहलाता है। बात समझ बच्चों, नेत्र का ऐसा दोष होता है जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित वस्तु, जैसे वस्तु में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं बच्चों, आप बिंदु कथा। क्लियर बच्चों, इसका कारण क्या है भी समझ लेते हैं जल्दी। इसका कारण है बच्चों, कार्निया का पूर्णता गोल ना होना। क्लियर बच्चों, इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि कार्निया की एक तल में वक्रता त्रिज्या कम तथा दूसरे तल में वक्रता त्रिज्या का अधिक होना। क्लियर बच्चों, इसका एक कारण। निवारण के लिए हम क्या करते हैं, चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों, हो गया क्लियर, सबका कारण सबका निवारण। ठीक है, सब बता दे रहे हैं, बढ़िया से नोट्स तैयार करिए और रट डालिए सब। क्लियर बच्चों, अब चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोष में हम।
वर्ण अंधता। क्या नाम है बच्चों? वर्ण अंधता। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे बच्चों पांचवा पॉइंट वर्ण अंधता। इसको इंग्लिश बोलते हैं बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। तो प्यारे बच्चों पांचवें पॉइंट में कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वर्ण अंधता। प्यारे बच्चों वर्ण अंधता एक ऐसा दोष होता है मानव नेत्र में जो अनुवांशिक होता है। पहले चित्र समझेंगे, यह दोष अनुवांशिक होता है, ठीक है, अनुवांशिक होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है। अनुवांशिक होता है पहली चीज तो, और दूसरा चीज तो इसका कोई उपचार नहीं। तीसरा पॉइंट, इस दोष में मानव नेत्र कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है, कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है, कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है। और कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता, क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है वर्ण अंधता। यह दोष पहली चीज तो अनुवांशिक होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। और इस दोष में क्या होता है बच्चों कि कुछ मानव नेत्र में कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है, मानव नेत्र कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनका वह विभेद नहीं कर पाते हैं। कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें बच्चों लाल और हरा ले लें, तो कुछ व्यक्तियों में ऐसा होगा दोष कि वह लाल और हरे को नहीं पहचान पाते, क्लियर। और कुछ रंगों के लिए सुग्राही होता है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये था जो है, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहें बच्चों? वर्ण अंधता या वर्ण दृष्टि दोष। मिटा दें, ठीक है। प्यारे बच्चों एक और पॉइंट आउट ऑफ सिलेबस से थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। नाम सुने होंगे मोतियाबिंद, सुने हैं ना? सिक्स नंबर पॉइंट डालेंगे मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों मोतियाबिंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कैटरेक्ट, तो मोतियाबिंद ये भी अधिकतर जो है वृद्धावस्था में ही होता है बच्चों, ठीक है, मतलब अधिक वायबल है। तो इसमें होता क्या है, अभिनेत्र जो लेंस होता है, आपकी जो लेंस पड़ी होती है बच्चों, उस लेंस पर झिल्ली आ जाती है, ठीक है ना, मतलब झिल्ली पड़ जाती है, झिल्ली बन जाती है। और उसी झिल्ली बन जाने के कारण बच्चों, झिल्ली बन जाने के कारण जो नेत्र लेंस है, और नेत्र लेंस दुधिया या दुधला हो जाता है। देखते बच्चों ना, जैसे लगता है कि आँख में कचरा जम गया है ना, ऐसे कुछ लोगों को आँख में दिखाई देने लगती है, ठीक। जिससे क्या होता है बच्चों, क्योंकि दृष्टि क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, या कभी कभी एकदम से क्षय हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोतियाबिंद, मतलब नेत्र पर झिल्ली बन जाती है, झिल्ली की परत बन जाती है, जिससे मानव नेत्र में
दुधिया या दुधलापन हो जाता, मानव नेत्र दुधिया या दुधलापन हो जाता, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी दृष्टि क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और ऐसा भी होता है कि उनकी दृष्टि क्षमता एकदम से गायब हो जाती, मतलब क्षय हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोतियाबिंद। अच्छा, इसका इलाज, हाँ प्यारे बच्चों, इसका इलाज भी होता है, शल्य चिकित्सा में इसका इलाज संभव है। पहली चीज, शल्य चिकित्सा में इसका इलाज संभव है, और इलाज कराने के बाद दृष्टि क्षमता जो होती है वापस आ जाती है। क्लियर? तो लिख लें इसको, कि बस समझा दें इसे, तो समझ लेते हैं ना, लिख लेते हैं। लिखो, कभी 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 अधिक उम्र वाले व्यक्ति की मानव नेत्र लेंस में झिल्ली बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, जिससे नेत्र दुधिया, दूध के कलर का, वह धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। नेत्र क्या होता है, दुधिया वह धुंधला हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो तथा मानव नेत्र में दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, दृष्टि क्षमता क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है, या समय पर इलाज ना होने से दृष्टि क्षमता क्षय हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं बच्चों, रोग को मोतियाबिंद कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? मोतियाबिंद रोग कैसा है, कभी कभी अधिक उम्र वाले व्यक्ति के मानव नेत्र लेंस में एक झिल्ली बन जाती है, और जिससे जो है मानव नेत्र दुधिया या धुंधलापन हो जाता है, तथा मानव नेत्र में दृश्य क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, और कभी कभी समय पर इलाज ना होने से दृश्य क्षमता एकदम से नष्ट हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे बच्चों, मोतियाबिंद। अच्छा, इसका इलाज है, ठीक है, शल्य चिकित्सा में, इसको याद रखना नोट में, शल्य चिकित्सा में इस रोग का इलाज संभव है, ठीक है, संभव है बच्चों। अगर दृश्य क्षेत्र आपका गायब हुआ, दृश्य क्षमता अगर गायब हुई हो, नष्ट हुई है, तो भी वापस आ सकती है अगर इलाज करा देंगे। क्लियर बच्चों? तो अब जो है ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, सबसे पहले हम लेक्चर यहाँ पर उठाए थे प्रिज्म के बारे में, जो कि किताब में इसके बाद जो है प्रिज्म के बारे में दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, आगे पीछे पढ़ना ही है, तो हम सबसे पहले प्रिज्म पढ़ा दिए हैं, आज मानव नेत्र भी कंप्लीट हो गया। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो फार्मूला एक बताया ना, यह बराबर माइनस एक्स और यह बराबर डी एक्स अपान एक्स माइनस डी। ठीक है बच्चों, कल
न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग।